बच्चों, जैसे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन आवश्यक है, वैसे इन पेड़ पौधों के लिए भी श्वसन आवश्यक है। लेकिन श्वसन के अलावा इन पेड़ पौधों में एक और क्रिया होती है, वो भी केवल दिन के समय में। और इस क्रिया के दौरान ये पेड़ पौधे कुछ भोज्य पदार्थ और गैस का निर्माण करते हैं। तो भोज्य पदार्थ और गैस के निर्माण के लिए इन पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? चलिए, इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और ये भी पता करेंगे कि इस क्रिया के दौरान कौन सी गैस का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री लगेगी, जैसे कि बीकर, कीप, पानी, हाइड्रिला का पौधा, एक परख नली। हाइड्रिला के पौधे की जगह आप कोई अन्य जलीय पौधा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बीकर को पानी से भर देंगे। अब इस कीप में हमें इस हाइड्रिला पौधे को फंसाना है। तो इस तरीके से हम हाइड्रिला पौधे को फंसाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पौधे की जो टिप है वो इस कीप की नली में हम घुसाएंगे। अब इस कीप को हम इस पानी से भरे बीकर में इस प्रकार से डाल देंगे। अब हमें ये जो परख नली है इसे भी पानी से भरना है। और पानी से भरने के बाद इस परख नली को कीप की नली के ऊपर उल्टा इस प्रकार से हम रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल है अभी यहाँ तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक निशान बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक उपकरण सेट कर लिया है। एक और उपकरण हम इसी प्रकार से सेट करेंगे, क्योंकि एक उपकरण को हमें धूप में रखना है और दूसरे उपकरण को हमें छांव में रखना है। तो जिस उपकरण को हम छांव में रखेंगे उसे काले कपड़े से या काले कागज से ढक कर रख देंगे। चलिए इसे हम धूप में रखते हैं। तो चलिए बच्चों, लगभग 5.5 घंटा हो चुका है। अब इन दोनों उपकरण का हम अवलोकन करते हैं। ये वो उपकरण है जिसे हमने धूप में रखा था और इस उपकरण को हमने अंधेरे में रखा था। जब इस उपकरण को हमने धूप में रखा था तो पानी का जो लेवल था इस निशान तक था, जो अभी नीचे आ चुका है। इसका मतलब परख नली की इतनी पूरी जगह गैस ने ले ली, मतलब यहाँ पर गैस एकत्रित हो गई। और अगर हम इस उपकरण की बात करें तो इस उपकरण में परख नली में जो पानी का लेवल है अभी भी उतना ही है। तो यहाँ पर कौन सी गैस एकत्रित हुई है, चलिए इसका पता करते हैं। इसके लिए हमें अगरबत्ती और माचिस की आवश्यकता होगी। हम अगरबत्ती को जलाएंगे और इसको इस परख नली के मुंह के पास ले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि अगरबत्ती तेज़ी से जल उठेगी। चलिए हम इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे उपकरण को हम एक पानी से भरी बाल्टी में रखेंगे और धीरे से ये परख नली को बाहर निकालेंगे, ताकि परख नली के अंदर जो गैस है वो बाहर न निकल जाए।
इस प्रकार हमने इस परख नली को बाहर निकाल लिया और परख नली के मुंह को अंगूठे से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गैस बन रही है वो बाहर ना निकल जाए। चलिए, कौन सी गैस बन रही है इसके लिए हम इसके मुंह के पास जलते हुए अगरबत्ती ले चलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगरबत्ती की लौ की जो चमक है वो तेज होती है। तो अगरबत्ती की लौ की चमक तेज होती है, मतलब यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है? यहाँ पर ऐसी गैस बन रही है जो जलने में सहायक है। तो वो कौन सी गैस है बच्चों? बिल्कुल सही, वो ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रिला पौधे ने धूप से ऊर्जा प्राप्त की और इसी प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर पौधे के द्वारा कुछ भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। जब किसी भी सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हुई है, इसलिए हम इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखा बच्चों आपने प्रयोग में कि धूप में रखने से जो हाइड्रिला का पौधा है ये ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर रहे थे। ऐसे ही जे इंगेन हाउस ने भी ये प्रयोग करके देखा था और उन्होंने देखा था कि पौधे जो है ये ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। तो पौधे धूप की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे स्टार्च, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है पौधों में? ये सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं, मतलब यहाँ पर वैज्ञानिक संश्लेषण हो रहा है, मतलब एक साथ लाना। संश्लेषण का मतलब यहाँ पर निर्माण करना। ठीक है, चीज़ों को एक साथ लाना। कौन सी चीज़ें आ रही हैं? सरल पदार्थ। सरल पदार्थ से किसका निर्माण हो रहा है? जटिल पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो बच्चों, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, और ये पूरी जो प्रक्रिया है ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये जो प्रश्न है 2 नंबर के लिए परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है और इसी ऑक्सीजन पर संपूर्ण जीव जगत सजीव जो है निर्भर है जीवित रहने के लिए। तो ये समझ में आया उस समय कि पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है जो कि ग्लूकोज है या मंड है, इसका निर्माण कहाँ से हो रहा होगा? तो इस पर भी बहुत सारे प्रयोग हुए और प्रयोग के बाद ये पता चला कि ये जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं ये कार्बन और जल से इनका निर्माण होता है। तो कार्बन कहाँ से मिल रहा है? कार्बन वायुमंडल में हवा से, कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बन जो है प्राप्त हो रहा है। तब उस समय ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही कार्बन प्राप्त हो रहा है और इसी कार्बन और जल की जब क्रिया होती है तब कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो एक नज़र डालते हैं प्रकाश संश्लेषण के समीकरण के लिए, क्योंकि ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप समीकरण देख रहे हैं, 6CO2 प्लस 12H2O, पर्णहरिम और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये बना रहे हैं ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये पूरी जो समीकरण है, पूरी जो इक्वेशन है, ये है प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है? जो सरल पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जब सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम जो कि पौधों में पाया जाता है, इसके उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। क्या बन रहा है यहाँ पर? ग्लूकोज। साथ ही कौन सी गैस का निर्माण हो रहा है प्रकाश संश्लेषण में? ऑक्सीजन गैस। और जितने अणु प्रकाश संश्लेषण, जल के अणु जितने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसमें आधे जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 जल के अणु हैं, तो कितने आधे बाहर निकल रहे हैं? 6 जल के अणु बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार से ही प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पूर्ण हुआ। तो बच्चों,
प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है और साथ में एक और समीकरण है जो है श्वसन की प्रक्रिया का। तो श्वसन की प्रक्रिया जो कि जस प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के विपरीत दिशा में चलती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं हम श्वसन की प्रक्रिया पे। श्वसन की प्रक्रिया का समीकरण, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज है वो अपघटित हो रहा है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं तब ग्लूकोज का अपघटन होता है। तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या बना रहा है 6CO2 प्लस 6H2O और कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो आप यहाँ पर दोनों समीकरण को कंपेयर करें, इसकी तुलना करें, तो आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में जहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है वहीं पर आप श्वसन में देखेंगे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल की क्रिया हो रही है तब ग्लूकोज बन रहा है, जबकि श्वसन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से ये जो दोनों अभिक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये दोनों अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलती है। जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि सौर ऊर्जा मतलब प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, यहीं पर श्वसन में क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा जो है ये अन्य प्रकार की ऊर्जा में बदल रही है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर है ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों की भी तैयारी आपको करनी है। अब एक प्रश्न है बच्चों, क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हर एक कोशिका में होती है? तो 19वीं शताब्दी में इस पर काफ़ी शोध हुआ और वैज्ञानिकों ने पाया कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो उन्हीं उत्कों में होगी जहाँ पर हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर पौधे के उस भाग में क्लोरोप्लास्ट होगा तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें हरे पदार्थ पाए जाते हैं, एक वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है क्लोरोफिल या पर्णहरिम, और ये क्लोरोफिल और पर्णहरिम की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई उसके बाद पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में उन भागों का अध्ययन हुआ जहाँ पर प्रकाशीय अभिक्रिया या अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में उन्होंने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया होती है तो जल के अणु के अपघटन से ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, और ये जो निर्माण होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो बच्चों एक क्रियाकलाप करते हैं और उस क्रियाकलाप के द्वारा हम देखते हैं कि हरित लवक कहाँ पर पाया जाता है और ये कैसे दिखता है। हेलो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो केवल एक कोशिका के बने होते हैं, और बहु कोशिकीय जीव जो होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं के। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जिनमें कोशिकाएं होती है, जैसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, कुछ मनुष्य के अंदर भी, हमारे अंदर भी बहुत सी कोशिकाएं हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, जैसे मेरे हाथ में एक रियो की पत्ती है, इसके अंदर भी कोशिकाएं उपस्थित है। हम ये भी जानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब एक कॉर्क की पतली सी परत के अंदर जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने बहुत सारी कोशिकाओं को देखा था, इसको उन्होंने सेल नाम दिया। हम आज जिन कोशिकाओं का अवलोकन करेंगे उसके लिए हमने ये ली है एक रियो की पत्ती। हम इस रियो की पत्ती को पहचान इस तरह कर सकते हैं कि देखिए इसके एक तरफ हमें हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ हमें जामनी रंग। आप इसे आसानी से अपने आसपास देख सकते हैं, और इसकी पत्ती को लेकर हम इस तरह इसे पानी में रखते हैं। पानी में रखने की वजह यह है कि अगर हम इसे सूखा रख दें तो इसके अंदर की कोशिकाएं मर सकती हैं। हमें जीवित कोशिकाओं को देखना है इसलिए हम इसे पानी में रखते हैं ताकि वे मरे ना।
स्लाइड बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर रखी गई है। आप देखिए, हमने एक कांच की स्लाइड ली है इस तरह। ये हमारे पास भी होता है ड्रॉपर, इससे हम पानी की बूंदे डालेंगे, इसे हम एक निडल कहते हैं। और इस स्लाइड पर जब हम इसका काट लेंगे तो वो सूखे ना, इसके लिए हम इसको इस कवर स्लिप की सहायता से ढक देते हैं। चलिए हम पहले स्लाइड बनाते हैं। और हमें देखने के लिए, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो है ये सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि हमें इसमें तो इस तरह कोशिकाएं दिखाई नहीं देंगी। चलिए हम पहले स्लाइड बनाते हैं। इसके लिए हम इस पत्ती को इस तरह पकड़ें और तोड़ें ताकि इसका हमें पीछे से एक पतली सी परत मिले, जिससे कि हमें कोशिकाएं आसानी से दिखाई दे। इस तरह तोड़ने से देखिए पीछे की ओर आपको एक पतली सी परत दिखाई दे रही है। इस परत को हम इस ब्लेड की सहायता से कट कर लेते हैं। आप स्लाइड पर एक बूंद पानी ले लें इस तरह, और इस पत्ती को फिर से तोड़कर इसकी पतली सी परत निकाल लें और उसे आप ब्लेड से काटकर इस स्लाइड पर ले लें, कुछ इस तरह। इस पत्ती को लेने के बाद फिर से आप एक बूंद इस पर पानी डालें, निडल की सहायता से आप इस कवर स्लिप को इस स्लाइड पर रख दें। इतना बनाने के बाद आप इसे सूक्ष्मदर्शी में इस तरह फोकस करते हैं और सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में आप इसे देखेंगे। इस तरह हमने इसे फोकस की और इससे एडजस्ट करके हम इस कोशिका का अवलोकन कर सकते हैं। इस स्लाइड का अवलोकन हम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें हमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। एक कोशिका जो एपिडर्मल सेल होती है, जो और दूसरी होती है वो होती है जिसमें कि हमें स्टोमेटास दिखाई दे रहे हैं। हमें स्टोमेटास में भी यहाँ थोड़ा सा इस तरह का फर्क दिखाई देगा कि कुछ स्टोमेटास जो होते हैं वो आपको खुले हुए दिखाई देंगे और कुछ स्टोमेटास जो है वो बंद हो सकते हैं। और इन कोशिकाओं का अवलोकन जब आप कर रहे हैं तो आपको इसे फोकस इस तरह करना है कि आपकी जो नजर है वो केवल एक कोशिका पे हो, जिसमें कि आप आसानी से स्टोमेटा पर अपना नजर फोकस कर सके। तो बच्चों, आपने देखा कि रियो की पत्ती में किस प्रकार से ये हरित लवक हम देख सकते हैं, और ऐसे ही हम पौधों के पत्तियों में हरित लवक को माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हरित लवक की संरचना की, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर में कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है हरित लवक की क्लोरोप्लास्ट की त्रिआयामी संरचना, मतलब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रही है, ये कैसी संरचना है, ये ओवल शेप्ड आपको दिख रहा होगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया से दुगुना होता है, मतलब इसका जो व्यास होता है क्लोरोप्लास्ट का, ये माइटोकॉन्ड्रिया से दुगुना होता है। ये क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना है। बाहरी झिल्ली बाहरी आवरण है, उसके अंदर में आवरण जो होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक आवरण, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तीसरी झिल्ली से एक संगठित संरचना, थैली जैसी संरचना बनती है, जिसे हम कहते हैं थायलेकॉइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं थायलेकॉइड, और थायलेकॉइड की ये दिख रही है जो है थायलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये थायलेकॉइड जो होती है ये सिक्कों के भांति अरेंज है, इस प्रकार से सिक्कों के भांति जमे हुए हैं, इसे कहा जाता है ग्रेना। और बच्चों, इसी ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और यहीं पर जल के अपघटन से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब बाहर में इस थायलेकॉइड के बाहर में आप देख रहे हैं और आंतरिक झिल्ली के अंदर में आप एक रंगहीन द्रव जो दिख रहा है ये कहलाता है स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है इस जगह पे। अब
अब ये जो दिख रहा है आपको थायलाकॉइड या ग्रैनम जो है दूसरे ग्रैनम से किस प्रकार से जुड़े हुए, इनके बीच में जो मेम्ब्रेन होती है ये होती है लैमेली। तो इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट की त्रि आयामी संरचना को आप परीक्षा में अगर आता है तो आप बना सकते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने मनुष्य में परिवहन तंत्र क्या कैसे होता है, ये कैसे कार्य करता है ये हमने देखा, ऐसी पौधों का भी अपना एक परिवहन तंत्र होता है। मतलब पौधों में भी ऐसी नलियाँ होती है जिससे पदार्थों का आना जाना होता है, मतलब परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। आपने क्लास 9th में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। ये क्या है जाइलम और फ्लोएम? ये संवहन ऊतक है, वैस्कुलर बंडल है, और इन जाइलम और फ्लोएम ऊतक की सहायता से ही पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधों में पहुंचते हैं। तो बच्चों, ये जाइलम और फ्लोएम पौधों में कहां कहां पर पाए जाते हैं, कैसे दिखते हैं? चलिए, इसके लिए हम एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे के जड़ और तने की काट लेकर इनके आंतरिक संरचना को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर तने की आंतरिक काट, तने का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, जब इसको आड़ा काटेंगे पतला और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में, सूक्ष्मदर्शी के अंदर में जब आप इसे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। द्विबीजपत्री में आप देख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। बीच का जो हिस्सा है ये पिथ कहलाता है। इसके बाहर में जो आवरण होता है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, बीच और एपिडर्मिस के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर हमें मेन देखना है कि संवहन ऊतक कैसे दिख रहे हैं, कैसे अरेंज है। तो यहाँ पर जो संवहन ऊतक हमें दिख रहे हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम दिख रहे हैं, ये बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है। और एक बीजपत्री पौधे में आप देखिए संवहन ऊतक, एक बीजपत्री तने में भी संवहन ऊतक कैसे दिख रहे हैं, बाहर की तरफ दिख रहे हैं। एक बीजपत्री का ये फ्लोएम हुआ और ये जाइलम हुआ। और अगर हम जड़ की बात करें, जड़ में किस प्रकार से ये संवहन ऊतक उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जड़ का द्विबीजपत्री जड़ की काट को और एक बीजपत्री जड़ की काट को, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो द्विबीजपत्री जड़ की काट में जो संवहन ऊतक है ये कहाँ पर उपस्थित है, एक रिंग में अरेंज है, ये अंदर की तरफ है। ऐसे ही आप जाइलम और फ्लोएम को देखिए एक बीजपत्री जड़ में, तो आप देख रहे हैं ये भी कहाँ पर है, अंदर की तरफ उपस्थित है, लेकिन थोड़े से बिखरे हुए हमको दिख रहे हैं। तो लगभग सभी द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधों में जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो बच्चों, परीक्षा में और 9th में भी काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका है कि जाइलम और फ्लोएम जो है इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो जाइलम पौधों में, जो जाइलम वाहनियाँ होती है ये क्या करती हैं, पौधों की जड़ों से पानी खनिज लवण को लेकर जाती है और कहाँ पहुँचाती है, पत्तियों तक पहुँचाती है, क्योंकि पत्तियों में कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब ये पानी खनिज लवण पत्ती में पहुँच गया, फिर पत्ती में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब इस बने हुए भोजन को फ्लोएम वाहनियाँ क्या करेगी, पूरे पौधे के हर एक भाग को इस बने हुए भोजन को पहुंचाती है। इस प्रकार से ये जो जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक होते हैं ये परिवहन का कार्य करते हैं पौधों में। तो बच्चों, जड़ के अलावा पत्तियों में, फूलों में, फलों में भी परिवहन संबंधी ऊतक पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में जड़, तना, पत्ती, इन सब का जब काट लेते हैं, आड़ी काट लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से संवहन ऊतक की स्थिति हमको दिखाई देती है। जैसे आप देख रहे हैं कि जड़ में संवहन ऊतक कैसे दिख रहे हैं, एक फ्लोएम दिख रहे हैं चार कोने में, और बीच में क्या दिख रहा है, जाइलम दिख रहा है। ऐसे अगर आप तने में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ जाइलम है, नीचे की तरफ हमको फ्लोएम दिख रहे हैं। पत्ती
के काट लेने पर जब इनको हम माइक्रोस्कोप में देखते तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जाइलम और फ्लोयम। इस प्रकार से संवहन ऊतक जो होते हैं तने में, पत्ती में, जड़ में अलग अलग तरीके से ये व्यवस्थित रहते हैं। तो बच्चों जाइलम जो होता है, जाइलम में परिवहन जो होता है ये कई प्रकार से होता है। तो जब क्योंकि जाइलम क्या करता है, जड़ से पानी को पहुंचाता है पत्तियों तक। तो जब जड़ की कोशिका में जब पानी ग्रहण होता है तब क्या होता है कि मिट्टी में पानी की मात्रा जब ज़्यादा होती है, तब पानी की मात्रा ज़्यादा होने से जो जड़ें होंगी, जड़ की कोशिका होंगी, इस पानी को परासरण विधि के द्वारा जो पानी है इन जड़ की कोशिकाओं में पहुँचता है। तो परासरण विधि में क्या हो रहा है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पानी के अणु का गमन हो रहा है। ठीक है, तो पानी की सांद्रता कहाँ पर ज़्यादा है, मिट्टी में। तो मिट्टी से पानी कहाँ पर जा रहा है, जड़ की तरफ जा रहा है, जड़ की कोशिकाओं के पास जा रहा है। किस विधि के द्वारा जा रहा है, परासरण। तो परासरण किसे कहते हैं, ये परीक्षा में प्रश्न आता है तो ये परिभाषा आपको याद करनी है। तो क्या हो रहा है, पानी पहुँच रहा है जड़ के अंदर में, फिर जड़ से जाइलम कोशिकाएं क्या करेगी, इन पानी को पत्तियों तक पहुंचाएगी। ऐसी पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। अभी हमने एक एक्टिविटी की जिसमें हमने देखा कि हरित लवक देखा और उसमें हमने देखा कि रंध्र पाए जाते हैं और इन रंध्र के द्वारा मतलब स्ट्रोमेटा के द्वारा क्या होता है, गैसीय आदान प्रदान भी होता है। तो क्या हो रहा है कि पत्तियों की जो सतह होती है इनमें जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी जो होता है ये भाप बनकर उड़ता है, तो ये भी कहाँ से बाहर निकल रहा है, ये पौधों के रंध्र से बाहर निकल रहा है। तो जाइलम जो नलिकाएं होती है इनमें बीच बीच में अवकाश होते हैं, मतलब गैप होते हैं, और इन अवकाश होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी नलियों में खिंचाव बढ़ता है, और जब इन नलियों में खिंचाव बढ़ता है तब जड़ से जल्दी जल्दी पानी जो होता है इन जाइलम वाहिनियों के द्वारा ऊपर आता है और पौधे के हर एक भाग तक पहुंचता है। ऐसी फ्लोएम, फ्लोएम जो होती है ये जीवित कोशिका है। ठीक है, तो पानी में घुलित जितने भी पदार्थ होते हैं जैसे शर्करा है, अमीनो अम्ल है, इन सब का परिवहन करती है, मतलब पौधे के हर एक भाग तक पहुँचाती है। तो बच्चों जैसे मनुष्य में हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है, तो क्या पौधों में भी हानिकारक पदार्थ होते हैं या बनते हैं, और इनका भी निष्कासन होता है क्या? तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। तो पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और इनका भी परिवहन या इनको भी बाहर निकाला जाता है पौधों के द्वारा। तो पौधों में कुछ पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, जब ये अतिरिक्त मात्रा में बनता है तो रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, और साथ ही जो कोशिकाएं होती है पौधों की, इनमें जो अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, विसरण विधि के द्वारा भी जो अतिरिक्त ऑक्सीजन है या पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये विसरण विधि के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो विसरण विधि में क्या हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होगी। ठीक है, तो ये परासरण और विसरण में आपको अंतर याद करना है। तो बच्चों जब पौधों को इनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, इनकी आवश्यकता पौधों को होती है, तो इनको बाहर क्यों निकाला जाता है? तो क्या होता है, दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, और दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो रहा है, और पौधों में निरंतर चलने वाली श्वसन की प्रक्रिया भी हो रही है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। लेकिन जब अतिरिक्त ऑक्सीजन आ जाती है तो अतिरिक्त ऑक्सीजन को रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, क्योंकि जैसे ही दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा, लेकिन जैसे ही रात का समय आता है
तो रात के समय में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होगा तो कार्बनिक पदार्थ नहीं बनेंगे। तो ये जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जाएगी? तो इनको भी क्या किया जाता है, रंध्र की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रात में पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसे ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है पौधों की पत्तियों से, जड़ से, पौधों के फल से या फूलों से अतिरिक्त जो पानी है वो वाष्प बन के बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से पौधों में जो अतिरिक्त पदार्थ होते हैं उसे समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही अधिकांश कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के अंदर बन रहे हैं ये मृत कोशिका में जमा रहते हैं, संचित रहते हैं, और इन्हें भी फिर समय आने पर बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे? कभी कभी आपने देखा है पत्तियां झड़ जाती है, फूल गिर जाते हैं, छाल पौधों की जो छाल होती है वो भी समय समय पर बाहर गिर जाती है, मतलब निकाल दिए जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, पौधे क्या करते हैं, इन उत्सर्जी पदार्थों को पत्ती, फल या फिर छाल के रूप में बाहर निकालते हैं। ऐसे ही खनिज लवण भी पौधों में मृत कोशिका में या मृत ऊतक में जमा रहते हैं और समय आने पर इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल द्वारा मिट्टी में बाहर निकाल दिए जाते हैं, जलीय पौधों में कुछ पदार्थ जल में छोड़ दिए जाते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ही आपने बच्चों कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो पौधों में होते हैं जिसे कहा जाता है लेटेक्स है, गोंद है, रेजिन है, टैनिन है, एल्केलॉइड्स है, ये अपशिष्ट पदार्थ हैं जो पौधों में बनते हैं और इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो पदार्थ होते हैं ये इनके प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। और कहीं ना कहीं ये पदार्थ जो पौधों के लिए अपशिष्ट है लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए रबर के लेटेक्स, ये रबर का जो लेटेक्स है इस लेटेक्स से हम रबर बनाते हैं, तो हो गया नहीं हमारे लिए बहुत उपयोगी। ऐसी तटीय क्षेत्र में कुछ पौधे पाए जाते हैं जो कहलाते हैं मैंग्रीव। ये मैंग्रीव पौधों आप देख रहे हैं इनकी पत्तियों के आधार पर आप देख सकते हैं नमक ग्रंथियां होती हैं, मतलब जो पानी इन लोग अवशोषित करते हैं ये नमकीन होता है पानी, तो कहीं ना कहीं ये अतिरिक्त नमक जो होता है ये नमक ग्रंथियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है। तो पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ जितने भी बनते हैं समय समय पर इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अब बच्चों हम जानेंगे कि एक कोशी के जीव में कैसे पोषण की प्रक्रिया होती है। तो हमने बहुकोशी के जीव मतलब मनुष्य का तो जान लिया कि उनमें जैविक प्रक्रिया है, पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक कोशी के जीव, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे पाचन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा की संरचना, इसके कोई विशेष अंग इनमें नहीं होते हैं पोषण के लिए, क्योंकि एक कोशिका का बना हुआ जीव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रक है, ठीक है, और इनके जो जब इनको कोई जीव दिखता है खाने के लिए, मतलब जब इन्हें कोई खाद्य जीव नज़र आता है, जब इस अमीबा को कोई शिकार नज़र आता है मतलब भोजन के लिए कोई जीव नज़र आता है, तब ये अमीबा क्या करता है, अपने पादाप को फैलाता है। यहाँ देखिए आप कैसे फैला रहा है, पादाप मतलब ये देखिए ये इसके पादाप है, मतलब कूट पाद, इसके असली पैर नहीं है, ये नकली पैर, कृत्रिम पैर, आप नकली पैर बोल सकते हैं, इसलिए इसे कूटपाद या पादाप कहा जाता है। जैसे ये पादाप को फैलाते हैं खाद्य कण इन पादाप के बीच में फंस जाता है। जैसे ये फंस जाता है तो यहाँ पर देखिए एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो रहा है, एक फूड वैक्यूल बन रहा है। तो भोजन का क्या हुआ, अंतग्रहण हुआ, भोजन अंदर आ गया। अब भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, भोजन का पाचन होता है यहाँ पर खाद्य रिक्तिका के अंदर में। भोजन का पाचन होने के बाद भोजन का अवशोषण होगा और फिर विशेष भाग से
अमीबा के भोजन का क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण की प्रक्रिया जो होती है ये पूर्ण होती है एक कोशिकीय जीव में। इस प्रकार से परीक्षा में आपको प्रश्न आ सकता है कि एक कोशिकीय जीव में पोषण की प्रक्रिया कैसे पूर्ण हुई। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने देखा कि जैविक प्रक्रियाएं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन ये मनुष्य में कैसे होता है, साथ ही पौधों में भी परिवहन उत्सर्जन की क्रिया होती है ये कैसे होता है, इससे संबंधित हमने बहुत सारे प्रयोग भी देखे। जैसे हाइड्रिला का एक प्रयोग देखा और ये हाइड्रिला के प्रयोग को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं बीच बीच से ये प्रश्नों की तैयारी आपको करनी है।